लोग ये क्यों भूल जाते हैं, इस वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है। आदत से बना रिवाज है। तो फाइनली दोस्तों, दशहरा और भोला ने अपने 6 दिन बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिए हैं और कमाई के मामले में कांटे की टक्कर सहित आगे बढ़ने की फुल कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आज जानेंगे कि कौन सी मूवी कितनी कमाई कर चुकी है, पहले दिन किसने कितना कमाया, कमाई के मामले में आगे कौन सी फिल्म चल रही है, कौन सी मूवी हिट हुई है और कौन सी फ्लॉप, किस मूवी को पब्लिक से अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करेंगे नानी के करियर की एक बिग ब्लॉकबस्टर मूवी दशहरा के बारे में। जी हाँ, दशहरा पैन इंडिया में सॉलिड जगह बना रही है अपने पहले दिन से ही, क्योंकि जितनी उम्मीद नहीं थी अपने पहले दिन में इस फिल्म ने अच्छी कमाई करी है। जी हाँ, 30 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन सिर्फ इंडिया से किया, वहीं तमिल तेलुगु से लगभग 22 करोड़ के आसपास होल्ड करा है और पूरी दुनिया से अपने ओपनिंग डे में ही 38 करोड़ का कलेक्शन किया था। जबकि साथ में भोला जैसी दिग्गज मूवी भी रिलीज हुई थी जिसका कंटेंट भी सेम मासी है, फुल ऑफ एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, लेकिन धूल चढ़ा दी भोला को पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। बता दो तो श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में मात्र 65 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म दशहरा क्या सुपर ब्लॉकबस्टर ओपनिंग लिया है। बता दो तो नानी के लीड रोल में बनने वाली दशहरा उनके करियर की एक बिग ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसमें आपको कीर्ति सुरेश और दीक्षित शेट्टी जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। बता दो तो पूरी दुनिया में तमिल तेलुगु हिंदी और इंग्लिश भाषा में मूवी को रिलीज किया गया था और तमाम बड़े बड़े रिकॉर्ड साथ ही वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स को अपने नाम किया पहले दिन ही। दोस्तों टाई 2 में किसी भी एक्टर की फिल्म 30 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग नहीं लेती है, लेकिन पुष्पा और केजीएफ जैसी फिल्मों को कंधे से कंधा मिलाकर इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली लगभग 38 करोड़ की पूरी दुनिया में। बात करें अभी तक की इस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है, तो यस, दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस से 15 करोड़ का कलेक्शन किया था, तीसरे दिन 18 करोड़ का और चौथे दिन में लगभग 20 करोड़ का कलेक्शन करके पहले 4 दिन में लगभग 85 करोड़ के ऊपर आंकड़ा सेट कर दिया था। बात करें कल्याणी 5वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो लगभग 7 करोड़ का बिग कलेक्शन किया था इंडिया से और टोटल ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 92 करोड़ तक सेट कर दिया है। वहीं बता दूं तो आज यानी डे 6 में भी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी परसेंटेज अच्छा देखने को मिल रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है कि एंड ऑफ द डे लगभग 8 करोड़ का स्ट्रांग होल्ड कर सकती है और इसी के साथ दशहरा इंडियन बॉक्स ऑफिस 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मान लेगी। बात करें दूसरी फिल्म यानी भोला के बारे में, तो यस, इसे भी सेम डेट को रिलीज किया गया था दशहरा के साथ और कमाल की पकड़ बनाई सिनेमाघर में, साथ ही बॉक्स ऑफिस में भी। हाँ, अपने ओपनिंग डे में ही वो जादू नहीं दिखा पाई जैसा कि अजय सर की बाकी फिल्में दिखाती हैं, लेकिन हाँ, अपने दूसरे दिन हर दिन आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया, मतलब लोगों को मूवी काफी पसंद आई। जी हाँ, भोला को लगभग 100 करोड़ के बजट में बनाया गया है जिसका डायरेक्शन खुद अजय सर ने किया है, साथ ही मूवी को लीड भी खुद मास महाराजा अजय देवगन सर ने ही किया है। बताऊं तो मूवी साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी का रीमेक है, जिसके लिए अजय सर ने मूवी में काफी चेंजेस करे हैं, वीएफएक्स का सटीक इस्तेमाल किया है, एक्शन में धमाकेदार मसाला डाला है, विजुअल्स में भी काफी एडवांसमेंट है और प्लस पॉइंट मूवी को भोला यानी शंकर महादेव के साथ सीधा डिवोशनल कनेक्शन करा है, जो हिंदी पब्लिक को इमोशनली अटैच भी कर रहा है मूवी से। बता दो दोस्तों, मूवी को जबरदस्त स्टार कास्ट के साथ सजाया है अजय सर ने, जिसमें आपको तब्बू, अमाला पॉल, संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मूवी शानदार है, जिसने देख लिया उन्होंने तो मजा लूट लिया है, पर जिसने नहीं देखी है जाके जरूर देखो यार, ऐसा कॉन्टेंट बार बार नहीं आता। दूसरा, मूवी को पूरी दुनिया में लगभग 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जिसने अपने ओपनिंग डे में ही लगभग 11 करोड़ का कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस से करा था और साथ ही वर्ल्ड वाइड ओपनिंग अच्छी खासी ली थी। बता दो दोस्तों, दूसरे और तीसरे दिन के कलेक्शन को मिलाकर भोला ने अपने पहले 3 दिन में 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया था और चौथे दिन भी अच्छी ग्रोथ करते हुए लगभग 15 करोड़ का बिग कलेक्शन किया था और पहले 4 दिन में लगभग 45 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन सेट कर दिया था। बात करें कल यानी डे 5 के बॉक्स ऑफिस की, तो यस, एक अच्छा ग्रोथ करते हुए भोला ने 5 करोड़ का कलेक्शन किया था और पहले 5 दिन के टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 50 करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया है। इसी के साथ भोला एवरेज ट्रेंड करते नजर आ रही है बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों नो डाउट, नानी की फिल्म दशहरा ने बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन के मामले में भोला को काफी पीछे खदेड़ दिया है। बात करें आज यानी डे 6 के बॉक्स ऑफिस और एडवांस बुकिंग सिनेरियो की, तो यस, आज आंकड़ा ऊपर जाता दिखा है, मॉर्निंग और नाइट में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और शायद से शायद एंड ऑफ द डे 7 से 8 करोड़ का बिग कलेक्शन कर सकती है। बता दो दोस्तों, भोला वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी धमाकेदार ग्रोथ दिखा रही है और अभी तक लगभग 75 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया है। दोस्तों दशहरा और भोला दोनों फिल्मों के सारे फिगर्स मैंने आपको दे दिए हैं, अब आपकी बारी, ये आप लोग बताएंगे कि कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई कर रही है, किस फिल्म को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है दोनों में से, सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ यार। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।